टाइटल मात्र है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर की बात करी जाए, दो प्लेयर हैं जो अच्छा खासा लूट करके आए हैं और मुझे लगता है मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे सामने वाली टीम के लिए। बट आप देखे ट्रू रिपर की स्क्वाड, एक नॉक उन्होंने निकाला, ओवेस वो भी डाउन हो चुके हैं, निर्वाणा के हाथों बट आएसो वो गए नीचे, वो फिनिश करके, वो फिनिश अपने नाम लेके वापस ऊपर आ गए। टेड थे या फिर मैक्स काश थे, दोनों के दोनों वही दर्शक बने देखते रह गए वहां पे। मैक्स काश थे जो खड़े रह गए, वो कुछ कर भी नहीं पाए। बट फ्लिक पार्टी को आप देखें, ये क्या इस वक्त चल रहा है। एनिग्मा फॉरएवर की जो स्क्वाड है उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर से मैक्स काश लास्ट बचे थे, खत्म हुए और चार फिनिशेस, शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेहतर करके आए। आप गुनू को देखें यहाँ पे रहेंगे, गुनू सामने मौजूद है और इसी के साथ डाउन किए जाएंगे और सीधा गुनू को फिनिश किया जाएगा। और कम से कम अब पता व्हाट जोकर आप इतना ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। वेल आप प्रेशर तो बिल्कुल नहीं ले सकते, बट मेरे ख्याल से उनका मिसटैप हो गया और यहाँ पे वो मिसटैप थोड़ा भारी ना पड़ जाए उनको, बिकॉज जोकर ने फिनिश तो जरूर करा बट मान्या वहां पे नॉक हो जाते हैं। 3v3 बैटल राइट नाउ, गुनू को गवा चुके हैं, रिवाइवल की संभावना नहीं है। एजे का कवर आएगा आरई स्पोर्ट्स बैकफुट पे और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एक टिकट की तलाश में। रॉकस्टार वहां पे रिवाइव जरूर हो चुके हैं, बट क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? एजे इज बर्निंग, ही इज ऑन फायर लिटरली, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स दो प्लेयर बचे हुए हैं, आरई स्पोर्ट्स दो प्लेयर बचे हुए हैं। प्योर 2v2 बैटल कैनरी आगे जाने की वजह से गलती, लालच पूरी बुला है कैनरी, अब नॉक प्लेयर को फिनिश ना करिए बिकॉज जोकर वहां पे है। रॉकस्टार भी बचने की कोशिश, जंप शॉट लिया जरूर जाएगा, जोकर के हाथ में एक बेहतरीन डीपी देखने को मिलती है, जंप शॉट के बाद जंप शॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों प्लेयर डीपी के साथ 1v2 करने का मौका, बट यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स लेके जाती है विना विना चिकन डिनर। तो भी अभी हमने देखा वो भी बार बार एडीएस खोल रहे थे, मतलब वो भी मार्क वहां पे कर रहे थे, वो यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, बट ये फ्लैंक यहाँ पे आ चुका है, आइकोनॉक्स शॉट देने की कोशिश करते हैं, गोब्लिन का फ्लैंक कितना काम करेगा, लेट्स फाइंड आउट, बिकॉज़ अभी के लिए तो आइकोनॉक्स बैकफुट पे शैडो को फिर से नॉक कर दिया जाता है। टीम्स ऑल देयर लुकिंग रियली गुड, बट निंजा को उनको कुछ करना पड़ेगा। निंजा और ब्लेज जो पीछे से कवर दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, दोबारा से यहाँ पे स्मोक कर दिए गए हैं, मोलोटोव करी जरूर जाएगी बट टीएसएम अभी के लिए खतरे में। मेरे ख्याल से फिर अब चले जाना चाहिए, अक्षत को साथ देना चले जाना चाहिए, लेकिन अक्षत क्या नॉकआउट कर पाएंगे? ओमेगा भी बाल बाल बचे हैं क्योंकि अभी भी निंजा की तरफ से कवर फायर मिल रहा है, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। एंड स्मोक के जरिए स्पिरो जो आपने बात करी है, स्मोक के जरिए वो नॉकआउट और इनिशियल पिक भी निकाल देंगे, आउट नंबर फिलहाल के टीम सोल होते हुए नजर आए, लेकिन बचे हुए तीन खिलाड़ी क्या यहाँ पर वापसी कर पाए क्योंकि इतनी देर हो चुकी है। एंड स्पिरो देखिए इस फाइट में मैं नहीं चाहता कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होते नजर आए। देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यही देखने को मिली कि जो पीछे प्लेयर कवर दे रहे हैं वो आगे आने नहीं दे रहे, यहाँ पे शैडो को दूसरा बार दोबारा नॉक करा गया, इस बार नीड के जरिए उनका फिनिश मिला। अक्षत का जो फ्लैंक काम कर जरूर रहा था, लेकिन वहां से अभी तक इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पाई, इन्फॉर्मेशन जरूर निकाली गई है, पोजीशन उनकी भी रिवील है, प्लीज वहां पे अपनी स्पॉट करने की कोशिश करते हैं M16 के साथ। बट अभी के लिए गोब्लिन एक और बार नॉक करते हुए एक्विनॉक्स को नॉक करा गया, एक्विनॉक्स को खत्म करने की कोशिश, बट निंजा का कवर आएगा, गोब्लिन को नॉक करा जाएगा एंड टीम सोल नाउ इन द 2v2 सिचुएशन। TSM के जो बचे हुए प्लेयर हैं वो दूरों दूर हैं, गोब्लिन को मेरे ख्याल से यहाँ पे रिवाइवल मिल जरूर सकता है, पर काफी जल्दी उनको यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि पीछे से रोटेशन आ चुकी है। ब्लेज ट्राइंग टू पुश इन एंड ब्लेज ट्राइंग टू गेट द जॉब डन, बट अभी के लिए क्या रिवाइवल होगा कि नीड है ब्लेज के पास, रिवाइवल पे फोकस करा गया, ब्लेज आगे पुश करने की कोशिश, फुट सेफ उनको यहाँ पे आ चुके, लड़ाई करने का कोई मौका यहाँ पे नहीं मिलता। हेक्टर यहाँ पे बैकफुट पे, हेक्टर को भी नॉक करा जाएगा, अक्षत जो दूर थे he is the last man standing। स्पिरो काफी देर लगा चुके थे, मैं जैसे बात कर रहा था और ये स्पिरो ये तो शायद हमने उम्मीद नहीं रखाई थी, ये तो चलिए एंड सर्कल में होता है लेकिन ये तो शुरुआत में ही देखने को मिलता है। टीम की बात करें इसी बीच वो खत्म हो चुके हैं, नियॉन केस भी बहुत ज्यादा कम है, फर्स्ट एड धूड़ा जाएगा, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। केमिनी स्पोर्ट्स इस वक्त तीन प्लेयर के साथ एक ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता हुआ, डेल्टा पीजी डीबीएस के साथ वो भी तैयार रहेंगे, साथ एक बढ़िया प्लेयर अपनी टीम से एटलस को देखना पड़ेगा कवर फायर किस तरीके से वो दे पाएंगे। टेम्पेस्ट वहां पे मौजूद है, डेल्टा पीजी डाउन किए गए साथ के द्वारा और अब 1v2 का सिचुएशन होता हुआ, साथ के लिए इतना ज्यादा ओपन में जाने की वहां पे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, गए पनिश किए गए, डाउन किए गए, नियॉन की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन किए गए, जो फाइट बड़े आसानी से मोहम जीत सकती थी और अब बैकफुट पे जाते हुए मेरे ख्याल से कुछ सेकंड ही यहाँ पर बच रखे इस फाइट को खत्म करने के लिए। एटलस अभी भी रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, टीपीवी का इस्तेमाल यहाँ पर होता नजर आएगा, लेकिन कैमनी स्पोर्ट्स फायदा उठाइए इस चीज का क्योंकि बार बार आपको ये मौके बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। एटलस भी अब नीचे आते वहां पर नॉकआउट कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी शायद एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एकदम से गन बाहर निकलेगी और उनको भी नॉकआउट करेगी, लेकिन रॉबिन की हम बात करें डीबीएस के जरिए वो चाहते हैं ये क्लोज रेंज
बैटल जीत सके। वो ड्रॉप शॉट डीपीएस के साथ, वो ड्रॉप शॉट वहां पे दे रहे, बट साथ वहां पे मौजूद रहेंगे एमवाईएम, जो फाइट वो जीत सकते थे। मोस्ट प्रोबेबली वो फाइट वो हार जाएंगे क्योंकि लास्ट प्लेयर एमवाईएम का बचेगा। चलिए वहां पे एक और प्लेयर को डाउन किया गया रॉबिन डीपीएस के साथ, बट एटलस हम लोग बात कर रहे थे आखिरी मोमेंट तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये फाइट जीतने कौन वाला है। के लिए एलिमिनेट करेंगे सामने केमिनी स्पोर्ट्स को, एमओएम चार फिनिशर्स के साथ तीनों सरवाइव करेंगे, बट सामने रहेगी 8-bit वर्सेस टीम एक्सपर्ट रेप की बात करी जाए स्काउट को, उन्होंने डाउन किया। जूसी की बात करें 420 को उन्होंने डाउन किया, 2v2 का यहां पे सिचुएशन होता हुआ। अल्ट्रॉन एंड मावी दो प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। दूसरे साइड पे जी की जो फाइट थी वो भी चल जाएगी, बट रेप की बात करी जाए बेहतरीन क्लोज रेंज फाइट, मावी लास्ट प्लेयर जो अपनी टीम से इस वक्त सर्वाइव करेंगे। देखिए रीलोड आया है लेकिन ये ड्रॉप शॉट बहुत ही अर्ली एंड मावी इस चीज को भाप चुके थे, एंड मावी के गेम्स पे देखिए ये ड्रॉप शॉट करेंगे तो पहले से ही वो तैयार रहेंगे इस चीज के लिए। लेकिन अभी क्या माइंडसेट चल रहा है मावी का, पहले रिवाइवल दिया जाए या फिर आगे फाइट के लिए बढ़े, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि यहां से मावी का गेम से बाहर जाना है, टीम एक्सपार्क का एलिमिनेशन यहां पर हो जाना। सुनामी वेट कर रहे हैं, रीलोड की आवाज आई है, शायद मेरे ख्याल से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो तैयार थे और हे वी गो। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा मेजी, इस फाइट का सबसे बड़ा योगदान जूसी के द्वारा, क्योंकि एक ही स्प्रे में उन्होंने दो नॉकआउट निकाले थे। मीनवाइल अगर निग्मा गैलेक्सी की बात की जाए, ड्रीम्स का एक जरूर नेट आएगा, ज़ीगॉड को नॉक करा जाएगा, क्या वो फिनिश निकाल सकते हैं? जी हाँ, फिनिश मिलेगी टीम गॉडलाइक, ऑलरेडी एक प्लेयर गवा चुके, मेरे ख्याल से एक रीत बन चुकी है गॉडलाइक की, जैसे ही पहली फाइट होती है पहला प्लेयर गायब हो जाता है, उसके बाद तीन प्लेयर्स के साथ वो अच्छा जरूर खेलते हैं, देखते हैं इस बार क्या वो चीज वो कर पाएंगे। और दूसरे साइड मावी की बात करी जाए, वो भी यहाँ पे डाउन किए गए, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर टीम एक्सपर्ट से यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। एजे नीचे मौजूद है, जॉनथन एक बार फिर से ग्रेनेड करने की कोशिश रहेगी। एमजे की बात करी जाए, उन्होंने भी एक ग्रेनेड किया, क्या वो ग्रेनेड ठिकाने पे गिरा? जी हाँ, क्लच गॉड डाउन किए जाएंगे एमजे के ग्रेनेड से। मोस्ट प्रोबेबली एक और मॉली आया वहां पे, बट वहां नहीं कहीं और आया, अलादीन डाउन किए जाएंगे। जी की स्क्वाड मैचेस जिस तरीके से खेल रहे स्पिरो, क्या बेहतरीन गेम प्ले में जी के द्वारा देखने को मिलता है, बट वहां पे साथ ने वो फिनिश चुरा लिया, क्लच गॉड डाउन हो गए, बट निग्मा गैलेक्सी की जो स्क्वाड है वो रश करने को पूरी तरीके से तैयार है। एडीएस वहां पे खुला, जॉनथन का आए थे ड्रीम्स और सीधा सीधा वो चले भी गए, बट 7-0 की बात करें इसी के साथ वो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के हाथों एलिमिनेट किए जाएंगे। मावी वो नॉक पड़े हुए थे, मोस्ट प्रोबेबली पानी के अंदर जाने की कोशिश थी, डूब के खत्म होते हुए। देखिए जोनाथन का फ्लैंक आएगा, एक प्लेयर को नॉक करा जाएगा, एमजे की पोजीशन काफी अच्छी, टीपीपी एडवांटेज लेके यहां पर जोनाथन को नॉक करते हैं, दैट वुड बी एमजे रियली इनक्रेडिबल, और वही हुआ जोनाथन ओपन मैन की गलती। नाउ नियो इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, देखिए 1v3 सिचुएशन उनके लिए बन जरूर जाता है, बट यहां पे पहले वो रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। निग्मा गैलेक्सी भी अटैक नहीं कर रहा क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि यहां पे अगर अटैक करेंगे मुश्किलें उनके लिए भी पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ स्नैक्स यहां पे नॉक हो जाते हैं, केविन स्पोर्ट्स रॉबिन सिंह शेखावत एक नेड जरूर करेंगे, पियर्स को कोई डैमेज मिलेगा नहीं, रश करने का समय आ चुका है, स्नैक्स को फिनिश वो करना चाहते हैं, पियर्स को यहां पे फिनिश करना चाहते हैं, टीपीपी एडवांटेज यहां पे लिया जरूर जा रहा है जिसका फायदा मिल जरूर सकता है, आगे जाएंगे, थोड़ा सा डैमेज मिला जरूर था लेकिन रॉबिन वापस कवर में जाते हुए कम से कम अपने आप को हील करेंगे। बट नियो एमजे, व्हाट एमजे क्या कर रहे हैं यहां पे, किस तरीके से उनका जो गेम है वो देखने को मिलता हुआ। जॉनथन लास्ट प्लेयर बचे हुए थे अपनी टीम से, वो भी यहां पे खत्म हो गए, फिनिश को निकाल चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करते हुए, स्पॉट वो कर चुके हैं अपने एनिमीज को, एग्जैक्ट पोजीशन पता है, बट मेरे ख्याल से नीड अब उनके पास नहीं है। मैं कहूंगा जब तक एस ब्लैक डाउन नहीं होते तब तक ये फाइट एमआईएम के लिए जीतना लगभग नामुमकिन है, जिस तरीके से वो इतना ऊपर चढ़ के बैठे हुए, आप बस हेड दिखाओगे आपको शॉट दिया जाएगा। नियॉन के साथ वही हुआ, डैमेज बहुत ज्यादा अपने ऊपर वो ले चुके, अपने आप को हील करेंगे। साथ की बात करें उनको भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, ग्रेनेड मोस्ट प्रोबेबली अब और ज्यादा वो आराम से निकाल सकते हैं। रश की हम बात कर रहे थे, कैरी रश करना चालू कर चुके हैं, स्ट्राइकर की बात करें वो भी रश करेंगे, ऊपर के साइड पे एस ब्लैक वहाँ पे मौजूद है, एक ग्रेनेड और पूरी तरीके से टीम यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए दिखाई जरूर देगी, बट 1v2 का वहाँ पे सिचुएशन चल रहा था, कैरी डाउन किया गया, बट एचपी बहुत ज्यादा कम, बट ये क्या देखने को मिलता है, एमओएम की स्क्वाड इस वक्त थोड़ा सा ज्यादा आगे जाती हुई। नियॉन की बात करें वो भी डाउन किए गए, साधन टेम्पेस्ट दो प्लेयर सर्वाइव करेंगे, बट हैदर अल्ट्रास क्या जस्ट उन्होंने ये मैच पूरी तरीके से थ्रो किया, क्योंकि मात्र केवल एक सिंगल प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है हैदर अल्ट्रास से। What just happened? Amazing. मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा है, बट ये गलती एस ब्लैक अभी भी हाई ग्राउंड पे, आपने एक बात बोली थी कि एस ब्लैक जब तक ऊपर है तब तक उनके पास वो वैल्यू है, तब तक वो जीत सकते हैं, बट नाउ इट्स अ 1v2 सिचुएशन, पूरा लाजमी था वो दीवार पे लड़ना लाजमी था, बट एस ब्लैक क्या वो जाएंगे सर्कल के अंदर या फिर नहीं वो देखना अभी भी बाकी है। टेम्पेस्ट एक और ग्रेनेड उन्होंने कुक किया, मोस्ट प्रोबेबली एस ब्लैक का जो हेड है उन्होंने देखा होगा दो ग्रेनेड आने वाले एस ब्लैक को, बचना है, बट नियॉन की बात करी जाए काफी ज्यादा ओपन में एस ब्लैक, वो ग्रेनेड वहां पे तो आया नहीं है, बट एस ब्लैक
सर्वाइव करेंगे, बट इसके बाद फाइनल सर्कल शुरू होने वाला है। देखिए बहुत रिस्की था ये नेड करना ओपन में आके, रेस ब्लैक वो नॉक कर देते, इट वुड हैव बीन अ 1v1 जो मेहम बिल्कुल नहीं चाहता। हैदराबाद हाइड्रा 13 फिनिशर्स निकाल चुका है, उनको चाहिए ये चिकन, दे वांट टू मेक अ कमबैक। स्मोक यहां पे करा जरूर गया, मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से एक रेस ब्लैक इस 1v2 को एग्जीक्यूट करते हैं, बिकॉज मेहम अभी भी वो सिक्योर नहीं, वो तो आगे नहीं जाना चाहते। और यहाँ पे स्मोक करा था दोनों की टीम की तरफ से, बैन निकाला गया मेहम के नियॉन को, अब आगे जाना ही पड़ेगा दोनों को एक्चुअली। हैदराबाद के एस ब्लॉक को आगे जाना पड़ेगा, मेहम के नियॉन और मेहम के टेम्पेस्ट को थोड़ा सा आगे तो जरूर जाना पड़ेगा। स्पॉट यहाँ पे करते हुए एक रिच का मैच उनको यहाँ पे जरूर मिलता हुआ, क्या इस रिच के साथ कमिट कर जाएगा? जी नहीं, मेहम आउट ऑफ नोवेयर एक 3v4 बैटल जीतेगा टीम हैदराबाद हाइड्रस के खिलाफ। That's a good one, but team two rippers players बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए players काफी जल्दी खत्म हो सकते हैं। Nirvana को knock करा जाएगा, जब आपके पास cover नहीं है तो आपको यहाँ पे peek नहीं करना चाहिए था। अभी के लिए team two rippers security की कुछ तमाम से भी करते हुए सुपर यहाँ पे spray करा जाएगा, एक अच्छा trade निकालना चाहते हैं team two की। Goblin अभी knock है और हम सब जानते हैं Goblin बहुत ही शानदार player, but Akshat एक और प्लेयर को नॉक करते हैं और यहाँ पे टीम टू रिपर्स बैकफुट पे जाती हुई। फिर निर्वाणा का नॉकआउट चलिए ठीक है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी का नॉकआउट यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। अक्षत यहाँ पर देखिए इनिशियल वो पिक निकालते नजर आ जाएंगे, लेकिन बाकी खिलाड़ी कहाँ पर, ये सेपरेट खेलना टीम टू रिपर्स के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। फ्लिक पार्टी भी अभी पहुंच रखे हैं, जैसे हमने देखा TSM से एस्केप करा, लेकिन अब यहाँ पर अपनी टीम को बचाने जैसे आ रहे हैं, तो शायद टीम सोल अब उनको काफी देर तक बैकफुट में धकेल चुकी है और जल्द से जल्द ये फाइट को अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरो यहाँ पर अगर बात करूं TSM कभी भी आ सकती है, क्योंकि TSM तो एक तरीके से टूरिपर्स के पीछे पीछे आ गई है उधर। Well, TSM versus Soul अगर होता है तो मैं इस फाइट को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगा। देखिए इनके लिए बीच में ना एक फ्रेंडली बैटल चल रहा है, वो भी पैन वाला और वो बैटल मुझसे तो नहीं मिस होने वाला। वहीं अगर गोब्लिन की बात करें, हेलमेट पे डैमेज हो चुका है, बट उन्होंने यहां पे फिनिश निकाल ली है। TSM Shadow फाइनली यहां पर नॉक निकालते हैं, फाइनली इट्स हैपनिंग, इट इज हैपनिंग, द गोलायथ वर्सेस गोलायथ फाइट इज अपॉन अस। बट अभी भी टूरिपर्स की बात की जाए, हाँ तो नहीं मानी है, एक प्लेयर बचा हुआ है उनका अभी भी। फिर आए तो थे टूरिपर्स के पीछे पीछे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि फायदा उनको मिल सकता है, क्योंकि टीम सोल के खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। निंजा शॉट अक्षत को भी नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे, एंड टीम सोल के लिए शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आ चुके हैं उनके खाते में, लेकिन गॉड लाइक वर्सेस ऑरेंगटन और स्पिरो, इस फाइट को शायद मेरे ख्याल से काफी समय हो चुका है, अभी तक अंजाम ही नहीं दिया गया कि कब यहाँ पर वो शुरुआती झटका मिलता नजर आएगा। और स्पिरो मेरे ख्याल से एक रीजन भी है, सर्कल इनके आसपास है तो शायद कोई भी टीम बाहर नहीं आना चाहती, वो कोई गलती करना ही नहीं चाहते, लेकिन क्लच गॉड यहां पर नॉकआउट होते नजर आएंगे। और देख देखते नियो का भी नॉकआउट और जोनाथन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या एक बेहतरीन एपिक क्लच आ सकता है कि नहीं, बिलीव देखिए उसका फायदा उठाएंगे इस, फिर वो जो बॉस आया है गए हैं एंड मेरे ख्याल से शायद उनको सफलता मिल जाएगी। एंड देखते देखते गॉड लाइक इस पोस्ट का भी एलिमिनेशन, फिर एक प्रबल दावेदारी सर्वाइव कर रहे, टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आए हिटमैन, इसी के साथ खत्म हो गया हेडमैन हाइड्रास, बैक टू बैक उनके बढ़िया मैचेस जाते हुए बड़े इक्विनॉक्स, क्या उन्होंने देखा है आगे को यहां पे नहीं देखना पड़ेगा, बट आदित्य का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, जी नहीं इक्विनॉक्स को उन्होंने नहीं देखा, इक्विनॉक्स ने आदित्य को नहीं देखा, आदित्य ब्लेज को भी डाउन करेंगे। शैडो एक लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए अपनी टीम से, क्या 1v4 क्लच इस वक्त पॉसिबल है गेम जोन। देखिए हो सकता है, कभी भी ये चीज हो सकता है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करा चुके हैं, लेकिन आगे बढ़िए क्योंकि जोन का डैमेज आप नहीं लेना चाहते। एंड आई गेस ही गॉट दैट 1v4 अगेंस्ट TSM, एंड एक प्रबल दावेदार TSM यहां पर जाने जा रही थी, 8 बेहतरीन फिनिशेस एंड ये एलिमिनेशन मेरे ख्याल से बहुत यादगार रहने वाला TSM को। लेकिन हैदराबाद हाइड्रास दे आर स्टिल सर्वाइविंग, वो चाहते हैं वो जो शुरुआत मिली थी वो वापस से अंजाम भी लेने चाहते हैं, लेकिन मैं खुश FS से भी हूं, क्योंकि पिछली बार हम देखेंगे तो प्लेसमेंट बहुत आ रहे थे लेकिन फिनिशेस नहीं आ रहे, लेकिन इस गेम में प्लेसमेंट भी है फिनिशेस भी है। FS तीसरे पायदान तक अपनी टीम को लेके आए, बड़ा आदित्य बहुत ज्यादा इस वक्त खुश होंगे। और आप ये देखें कि आदित्य इकलौते हैं जो सर्कल के इतना ज्यादा क्लोज है, बाकी के दोनों टीमें सर्कल के इतना ज्यादा बाहर हैं, सर्कल के बाहर वो फाइट करके एलिमिनेट हो जाएंगे। आदित्य बड़े आसानी से दूसरे पायदान तक अपनी टीम को लेके पहुंचेंगे, बट स्ट्राइकर बहुत ज्यादा ओपन में जा रहे थे, कैरी को आप देखें स्कूल की बहुत ज्यादा कम मैक्स के सामने मौजूद रहेंगे। हिटमैन उन्होंने वहां पे डाउन किया है, वाइट रॉस के साथ एलिमिनेट हो चुके, बट हिटमैन लास्ट प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, और इस वक्त 1v1 का सिचुएशन गेम्स यहाँ पे चलता हुआ। आदित्य अगर फिनिश स्पीड उन्होंने रीड करी होगी तो शायद रश कर सकते थे लास्ट मोमेंट पे, दो टीम्स का एक एलिमिनेशन, वो भी एक सरप्राइज वे में, पहला OR के द्वारा आदित्य के द्वारा TSM का, और अभी यहाँ पर FS के द्वारा हैदराबाद हाइड्रास, और ये हैदराबाद हाइड्रास के साथ दूसरी मर्तबा हुआ है कि ये मुकाबला उनके पास ऑलमोस्ट आ गया था, नंबर्स का एडवांटेज था, लेकिन वो गलती अब क्या भारी पड़ेगी आखिर वो तो चलिए वक्त बताएगा, बट फिलहाल के लिए 2v1 का 3v1 का सिनेरियो। एंड ये देखिए जो पॉज आया इसका फायदा उठा लिया FS ने,
मोस्ट प्रोबेबली विनर बने चिकन डिनर अब बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। उस वक्त तो टीएसएम को पता भी नहीं था कि उनके पीछे कोई मौजूद रहेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत वहां पे सिचुएशन खराब हुई थी टीएसएम के लिए। फिलहाल के लिए आदित्य काफी खुश होंगे जहां वो कब एलिमिनेट हो रहे थे और अपनी टीम के लिए चार एक्स्ट्रा फिनिशर्स के साथ इतने सारे प्लेसमेंट पॉइंट वो दिला के जा रहे हैं। दो टीमें मात्र चार प्लेयर सर्वाइव करेंगे। हिटमैन अभी भी खोजने की कोशिश, आप स्मोक देखें, धुंध बना दिया है पूरी तरीके से, अगर देखना भी चाहें तो भी उनको ना दिखे। आदित्य यहां पर ट्राई कर रहे हैं कुछ, अब जो टीएसएम के साथ किया गया क्या वो एफएस के साथ किया जाता है, और एफएस की अगर आप देखेंगे उनको ये पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी चलते हैं, देख लिया। तो हैं और ट्राई करेंगे क्या यहाँ पर नॉकआउट के लिए जाएंगे, क्या अभी तक पता है एफएस को? जी नहीं, अभी भी उनका स्कोप उनके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। स्प्रे करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन जो जीत थी वो एफएस की, नाम लिखे जाते नजर।